दिस इज योर बॉय सुपर सैम गाइस, दिस इज योर बॉय सुपर सैम। ऑलराइट, तो आज एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मेरी मील, मेरी डाइट एज यूजुअल हमेशा की तरह रेडी है। दिस इज द प्रोटीन शेक, हाई प्रोटीन हाई कार्ब शेक, और ये 6 एग वाइट्स। ये खा के आज हम जाएंगे जिम। ट्रैवलिंग हो रही थी बहुत बार, 3-4 जगह जाना पड़ा, इधर उधर आना जाना पड़ा। ट्रैवलिंग की वजह से बॉडी वेट थोड़ा सा उतर गया नीचे 1-2 किलो। तो सबसे पहले रिकवरी करेंगे, अच्छे से मील खाएंगे, आज भर भर के खाएंगे ताकि बॉडी दोबारा से फिलअप हो जाए। बॉडी थोड़ी फ्लैट फेस पे चली गई है। तो चलिए, आज है डे 18, क्योंकि 17 डे में हम थे शेरापाजी के जिम पे, उसके बाद दो तीन दिन की छुट्टी होगी। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, टूडे आई एम परफेक्ट। तो आज हम करेंगे, आज हमने वर्कआउट क्या करना है, आज हम करेंगे शोल्डर्स। तो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं जिम में, अच्छे से वर्कआउट करेंगे, अच्छे से प्रॉपर तरीके से गैट फाड़ देंगे। राइट गाइस, इट्स टाइम टू गो टू द जिम। ओह यस, दिस इज मर्सी, नो मर्सी, लेट्स गो। आज वेदर अच्छा हो रखा है, अच्छे वेदर का फायदा उठाते हुए आज हम वर्कआउट करेंगे बहुत दबा के। और यार वैसे भाई, आपके भाई की आवाज खराब हो रखी है, क्योंकि मैं 2 दिन जिम नहीं आया, आपको पता, तो 2 दिन कहीं पार्टी की होगी, और वो बस पार्टी चल रही थी, और पार्टी की वजह से गला खराब हो गया। और गला खराब क्यों हुआ, इस चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं, जब हम पानी में डाल के ठंडा ठंडा कुछ पीते हैं तो गला खराब हो ही जाता है। एनीवेज, लेट्स गो टू द जिम भाई, दिस इज लाइफ। वर्कआउट भी करो, हल्का फुल्का एंजॉय भी करो, ठीक है, क्योंकि अगर कहीं कमी रह गई तो वो बैलेंस नहीं रह पाती चीजें, है ना। तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है जिंदगी में। अपना जिम आने वाला है, और जिम तो ठीक है, मौसम देखो आप भाई, मौसम एक नंबर। मेरे जिम के आसपास होटल जी बहुत है, खाने पीने का सामान बहुत है, इतना कुछ है कि भाई अगर सीधा सीधा जिम ना जाया जाए तो मोटा ही खर्चा हो जाए रोज जिम जाने से पहले। ओ मेरा जिम आ गया भाई, हमारा जिम आ गया। आज शोल्डर करेंगे बाबा, क्योंकि सारी दुनिया का बोझ हम उठा लेंगे भाई। यहां मिलता हूं मैं कभी भी, अगर किसी ने मिलना ऑक्टेन फिटनेस, अभी गाड़ी खड़ी करके आपको जिम के ऊपर जाके मिलवाता हूँ सबसे। लेट्स गो भाई भाई भाई, हम आ गए हैं जिम। ये है हमारे पाजी, ये कौन है, बुद्धा ने, बुद्धा, ये पक्की गल बुद्धा ने, आप कुछ और कह दी जनता पीछे पै जी। जय बाबे जी, बाबा ही है बुद्धा जी, जय बुद्धा जी। चलो ठीक है, हमारी जिम की एंट्री पे इतनी पॉजिटिविटी है, दिस इज माई जिम, और यहाँ पे ये पाजी बैठते हैं। हेलो, चलो अंदर भी लेके चलते हैं हमारा जिम। ये हमारे जिम में यश भाई, यश भाई क्या हाल है, वाह 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 वाह, सो मच पॉजिटिविटी भाई, सो मच पॉजिटिविटी है। कोई आज कोई नहीं खेल रहा, कोई बात नहीं। ये है हमारा जिम, ऑक्टेन फिटनेस प्राइम, एंड दिस इज मी। मेरे पास मेरा GNC का प्रीवर्ड खत्म था, तो हमने जिम में किसी भाई से लिया, तो यार ये लेते हुए बड़ा डर लगता है, साइकोटिक। पाजी ऐसी तैसी तो नहीं कर देगा, ये पूरा स्कूप ले लूं। हाँ हाँ, चलो आत्महत्या करने का टाइम आ गया, ये तो सुसाइड है। हमारे जिम में ना एक नई चीज लगी है, मतलब कि वो उस नई चीज के लगने के बाद ऐसा लगने लग गया, ये वर्कआउट करने के लिए जिम कम और खेलने के लिए स्थान ज्यादा। तो आप लोग देखिए, हमारे जिम में है 2 टेबल, तो दिस इज द ओनली जिम इन दिस ट्राई सिटी जहाँ आप खेल कूद भी अच्छे से कर सकते हो। क्यों भाई, मजा आ रहा है बच्चे खेलते हुए? मेरा ये साइकोटिक GNC के, उसमें साइकोटिक पी के देखते हैं, इसको पी के आपको रिव्यू देता हूँ कैसा ये। इतना गंदा भाई, साइकोटिक पिया किसी ने, कैसा था साला चुत्तड़। पीछे शोल्डर का वर्कआउट करेंगे, उससे पहले करेंगे हम थोड़ा वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग शोल्डर की रहेगी, ये व्यू खींच लो, पूरी बॉडी स्ट्रेच कर लो, ठीक है। ये 2-3 दिन सेट करो, 10-15 टाइम्स फॉरवर्ड, 15 टाइम्स बैकवर्ड,
सारी बॉडी हिलाने के बाद पांच पांच वाले डंबल लेके तीन सेट करने हैं आपको, 20 रेपिटेशन तीन सेट करने हैं ये। और तीन करने नीचे भी ऊपर, ये पूरा वार्म अप सेट है। इसको पूरा करने के बाद आप शोल्डर का हैवी वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये सेट पूरा करता हूँ, आप भी करिए। फर्स्ट वर्कआउट हम करें शोल्डर प्रेस बारबेल पे। आज फ्री वेट आज उस पर नहीं करेंगे, आज हम इस पर करेंगे फुल हैवी। तो भाई बेल्ट बांध के एक्सरसाइज करनी है, बिना बेल्ट के निकलने और पीछे किसी को खड़ा कर लेना। ये ज़्यादा हैवी नहीं है तो ये मैं कर लूँगा, पीछे किसी को खड़ा करके आराम से वर्कआउट करना। यहाँ तक आना चाहिए, पूरा नीचे नहीं जाना, यहाँ तक। Like this. ये परसों की पार्टी के साइड इफेक्ट आपको नहीं समझ आएंगे, मुझे फील हो रहे हैं। तो दिस इज माय थर्ड सेट, मैंने हैवी किया है। बेल्ट लगा के सेफ्टी भी करना भाजी पीछे आ गए। सेफ्टी के साथ मेरी भी गांड पड़ गई थी वैसे, पर मजा आया। दूसरी एक्सरसाइज बैक, गर्मी बहुत हो रही है भाई। सेम पैटर्न फॉलो करना वर्कआउट का। आज एक नया सेट बताऊंगा शोल्डर का, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज लैटरल रेज साइड रेज भी हैवी करने हैं भाई, गेनिंग करनी है। अगर मसल को क्वालिटी में लेके आना तो थोड़ा सा हैवी वर्कआउट करो, इतना हैवी ना करो कि इंजरी हो जाए, लेकिन उतना हैवी करो जिससे फेलियर आपका 8-9 रेपिटेशन में आ जाए। आओ भाजी, हाथ नीचे नीचे हाथ करो, हाथा को उल्टे हाथ लाओ, दाएं रखो। भाई ये भी बहुत डिपेंड करता है आपका वर्कआउट करवा कौन रहा है, क्योंकि हर किसी को हेल्प देनी नहीं आती। अभी भाजी अच्छे से करा देते, थोड़ा सा बता दो तो वैसे ऐसे करो, मजा स्वाद, जिंदगी का स्वाद किसमें भाई, बोलूंगा नहीं, कमेंट्स में बता दो जिंदगी का स्वाद किसमें। अरे छोड़ो गलत बोलो, जिंदगी का स्वाद बॉडी पंप करने में है। चौथा वर्कआउट है रेड डेल्ट का, ओह
लाइक किया है, एक मिनट पोस्टर दिखा दो, ये बात, लेट्स गो। आज पंप बहुत अच्छा आ रहा है, पार्टी का सीन है ये सारा, आफ्टर पार्टी पंप। हम करेंगे फ्रंट रेजिस, आज हम करेंगे रोड के साथ। अगर इसको और ज़्यादा डिफिकल्ट करना है तो आप रोड को नीचे नहीं लेके आओगे, आप यहाँ से यहाँ तक। वही 12 से 15 रेपिटेशन, 3 से 4 सेट, हार्ड दो भाई। मैंस फिजिक में शोल्डर, बैक, अपर पोर्शन आपका इंप्रेसिव दिखना चाहिए। तो आज के बाद हम वर्कआउट भी वैसे ही करेंगे, जैसे मेरी बैक थोड़ी वीक है तो बैक को 2 से 3 बार करेंगे वीक में, गांड फाड़ देंगे भाई। फ्रंट रेजिस हम डंबल के साथ भी कर सकते हैं, खड़े होकर रोड के साथ भी कर सकते हैं, आप कंबाइन करो। मैंने खड़े होकर भी किया, अभी चेस्ट सपोर्टेड करूँगा। आफ्टर पार्टी पंप आई हो, और पार्टी वही वाली जो नहीं करनी चाहिए थी वही कर ली, एक्स्ट्रा ही कर ली थी, तभी कल वीडियो नहीं बन पाई, आज बना रहा हूँ। ट्रैप्स के लिए श्रग्स, अपराइट श्रग्स, बैक फ्लैग्स, ये देखो। मुझे एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है बहन, जो जिम में ऐसे गाने चलवाता हूँ ना, जो पीछे एडिटिंग के टाइम पे जो व्लॉगिंग म्यूजिक होता है पीछे चलता रहता है, भाई की वीडियो बस घर जाएंगे जोड़ेंगे डाल देंगे। क्यों भाई चक रहे हैं? बैक फ्लाइज इज द लास्ट वर्कआउट फॉर टुडे, लास्ट एक्सरसाइज, रियर डेल्ट। हाथों को थोड़ा सा, हाथों को सीधा नहीं, थोड़ा सा बेंड एंड बारह से पंद्रह रेपिटेशन, 3 से 4 सेट, वर्कआउट खत्म हो गया भाई। इस टाइम पर तो कार्डियो, आधा घंटा कार्डियो करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे और मील खाएंगे। वैसे आई एम फीलिंग वेरी हंग्री,
आई एम फीलिंग टू मच हंगरी, मन नहीं कर रहा कार्डियो करने के, लेकिन हम कार्डियो करके जाएंगे। कार्डियो हो गया, देखो भाई लोग हमारी वीडियो देखते हैं, ये भी तो सही है, ये मोटिवेशन चलती रहनी चाहिए। आंटी भी देख रही है वीडियो, सब देख रहे हैं, आंटी को भी समझ तो आ नहीं रहा बट देख रही है। आंटी उस दिन देख रही है यहाँ पे वीडियो भी, यही बंदा यहाँ पे मुझे कहती है आपको सर, मैंने कहा हाँ जी। तो भाई वर्कआउट करके निकला हूँ, अभी मैं आया हूँ न्यूट्रिशन वैली, क्योंकि मेरा प्रोटीन ख़त्म हो चुका है, अभी मेरा स्टैक आया नहीं है, तो हम भाई से ले लेंगे एक प्रोटीन और एक दो चीज़ें और चाहिए वो भी उठा लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं घर, घर जाके हम खाएंगे अपना मील बढ़िया सा, लेट्स गो। क्या हुआ भाई हैं इधर आ, आजा इधर आ, इधर आ जल्दी आ, क्या चाहिए, हेलो तो बोल, क्या चाहिए यार, शर्माई जा रहे हो, आ जा ना इधर आ, पास में आके बोल, मैंगो, मैंगो क्या, माजा माजा माजा, अब भाई पैटीज भी दिला दूं, पहले क्यों नहीं बोला, जब तेरे से मैं पूछ रहा था तब तूने क्या बोला, कहाँ से मिलेंगी पैटी भाई, दो पैटीज देना, पैटीज देना भाई दो, मतलब अब तू तो माजा पिएगा, तू पैटी खाएगा ना, क्या आधी आधी माजा आधी आधी एक एक पैटी, अच्छा स्कीम है ना, आ ले भाई, ये भाई बच्चे हैं जब मैं 75 डेज में यही घूमते रहते हैं, चलो यार फटाफट के अपना सामान लेते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ वैद भाई स्टॉक हो रहा है, रीस्टॉक, न्यूट्रिशन वाली रीस्टॉक होते हुए, हैरी सर ये GNC भी आ गया बाबा, हाँ जी क्या चल रहा है, भाई जल्दी से न्यूट्रिशन वैली पे अपने ऑर्डर लगा दो, अपनी न्यूट्रिशन वैली भाई सामान रीस्टॉक हो रहा है, भर लो अपने अपने ऑर्डर, ठीक है, आइसोलेट ही चाहिए था भाजी, रन आप खा लिया एक बढ़िया जी, एक किलो का दे दो बस, ये किमें ठीक सीगा, ठीक सीगा, कोई फ्लेवर मीठा नहीं होना ज्यादा, केड़ा ये जो स्टीविया यूज कर रहे हैं उन्होंने, आर्टिफिशियल स्वीटनर है ही, ये मीठे मीठे नहीं पर प्रोटीन बहुत प्रीमियम, एक दिक्कत दे दो, ठीक है ना, तो दे दो, स्वाद नहीं लगना तुम्हें पीने, कोई ना मैं तो शेक बनाना होगा भाई, ये क्या ऐड है इस की है, थोड़ी ये नेचुरल स्वीटनर होते हैं ना, जहर है वो इधर च है नहीं, इधर च स्टीविया है, जो फ्लेवर है वो स्टीविया तो है सारा, स्टीविया का फ्लेवर है भाई, जिसको समझ आया ले लो, ठीक है ना, अच्छा प्रोटीन है, मैं यूज़ करूँगा देख लेंगे, जब तक GNC नहीं आता तब तक यूज़ कर लेंगे, बाकी देख लो यार हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ निगाह मार लो, मरवा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, वे प्रोटीन आइसोलेट, जो चाहिए हर चीज़। तो भाई घर पहुंच गए, घर पहुंच गए हम, मेरा अभी GNC का स्टैक नहीं है, तो ये न्यूट्रालीन का वे प्रोटीन आइसोलेट चॉकलेट फ्लेवर, शेक बनाना था लेकिन यार एक बार ये प्रोटीन चेक हो जाएगा, ऐसी पी के देखते हैं, और ये कोई प्रमोशन नहीं है भाई, और ना ही ऐसा सोचो कि यार मैं GNC की प्रमोशन करता हूँ तो वो अच्छा नहीं है, आप लोगों को बताइए आप लोग यूज़ करते हो इसका, हाँ अभी आप पी के आपको रिएक्शन देंगे कैसा है, तो आजा भाई स्कूप, स्कूप भाई साहब कहाँ हो,
यहाँ कहीं है ये। एक दो वन एक से कहाँ कुछ बने हैं। अब देखो भाई जीएनसी के शेकर में आ गया तो भाई जीएनसी की साइट पे जाके आइसोलेट प्रोटीन खरीदिए जो मैं यूज करता हूं। लेट्स सी यार प्रोटीन तो अच्छा है। अच्छा यार नो डाउट इट्स अ गुड प्रोटीन। भाई बहुत लाइट सी शुगर है और आफ्टर टेस्ट भी अच्छा है। अब थोड़ी देर बैठ के देखते हैं कि आरो खराब रखा और थोड़ी देर बैठ के देखते हैं कि वो तो नहीं ब्लोटिंग तो नहीं करता है कुछ ऐसा वैसा फिर हम खाते हैं मील। तो यार हमारे पास है आज मील में चिकन करी विद राइस। ये चिकन मैंने डाला इसमें 300 ग्राम 350 ग्राम ऑलमोस्ट 400 ग्राम लगा के चलो 400 ग्राम्स ऑफ चिकन प्लस 300 ग्राम्स ऑफ राइस हैवी मील। ऑल राइट गाइस तो मील हुआ फिनिश। इसी के साथ हम इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। अच्छे से वर्कआउट करना, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कर दो, बेल आइकन दबा दो, अच्छे से कमेंट करो। बहुत दिन हो गए किसी भाई का कमेंट मैंने कमेंट पढ़े नहीं क्योंकि आई वॉज वेरी बिजी, तो वो भी बैठ के कमेंट पढ़ूंगा और किसी एक भाई को सब वीडियोज में से एक एक भाई को गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट रखे हुए बाहर। तो सी यू गाइस टेक केयर बाय बाय।